अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा परिष्कार ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूं। हम लोग अभी क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, संगठन के सिद्धांत। पर संगठन के और नए सिद्धांत जानने से पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे आपने कौन सा होमवर्क किया है या फिर नहीं किया जो मैंने आपको पिछली कक्षा में दिया था। तो सबसे पहले हम लोग होमवर्क देखते हैं। निम्नलिखित में से नियंत्रण के क्षेत्र की विशेषता नहीं है। हमने सिद्धांत के बारे में पढ़ा था ना, नियंत्रण का क्षेत्र, तो उसकी विशेषता क्या नहीं है। देखिए, पहला आदेश की एकता से संबंधित है, जितना छोटा क्षेत्र उतना अधिक प्रभावी। कोई अधिकारी कितने अधीनस्थों को निर्देश दे सकता है, उच्च अधिकारी द्वारा अपना कार्य अपने अधीनस्थों को सौंपना। तो नियंत्रण का क्षेत्र से क्या आशय है, आदेश की एकता से संबंधित है। जी बिल्कुल है, आदेश की एकता क्या बोला जाता, क्या बोलता है, एक व्यक्ति एक स्वामी। नियंत्रण के क्षेत्र में भी क्या बोला जाता है, एक व्यक्ति कितने व्यक्तियों से का एक बार में ध्यान रख सकता है। जितना छोटा क्षेत्र उतना अधिक प्रभावी, जितना छोटा क्षेत्र होगा उतना ज्यादा प्रभावी होगा। नियंत्रण का क्षेत्र को जितना छोटा रखा जाएगा, यदि एक नियंत्रण करता है उसके अंतर्गत चार कर्मचारी होंगे तो वो उन पर अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर पाएगा। वहीं यदि एक नियंत्रण करता और उसके अंतर्गत आने वाले 30-35 निम्न अधिकारी होंगे तो उनका वो नियंत्रण उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा जितना वो चार अधिकारियों का करता था। नेक्स्ट है, कोई अधिकारी कितने अधीनस्थों को निर्देश दे सकता है, ये भी संबंधित है। तो क्या नहीं है, डी, उच्च अधिकारी द्वारा अपना कार्य अपने अधीनस्थों को सौंपना। मैं आशा करती हूं आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही होगा। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। वो कौन सा कारक है चार ऑप्शंस में से जो नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, व्यक्तित्व, स्थान, कार्य की प्रकृति या फिर प्रत्यायोजन। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, व्यक्तित्व नहीं। व्यक्तित्व नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करता है, स्थान भी करता है। यदि मैं यहीं पर बैठे बैठे अपने चार निम्न अधिकारी को जो मेरे साथ ही काम कर रहे हैं उन्हें यदि मुझे कंट्रोल करना होगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। पर यदि मैं यहां पर हूं और मेरे जो अधीनस्थ अधिकारी है वो कहीं दूर हैं तो मैं उन पर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। कार्य की प्रकृति ये भी प्रभावित करता है, मेरे कार्य की प्रकृति और मेरे अंतर्गत जो निम्न अधिकारी काम कर रहे हैं उनके कार्यों की प्रकृति समान है तो क्या किया जा सकता है, नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावी बनाया जा सकता है। प्रत्यायोजन का इसमें कोई अर्थ नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा डी, प्रत्यायोजन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नियंत्रण का क्षेत्र निम्नलिखित सिद्धांत में सबसे निकटतम माना जाता है। नियंत्रण का जो क्षेत्र का सिद्धांत है वो किस सिद्धांत के सबसे निकटतम माना जाता है। तो देखिए, आदेश की एकता, प्रत्यायोजन, समन्वय, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका उत्तर, वेरी गुड, इसका उत्तर होगा आदेश की एकता। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा कि समन्वय संगठन की सभी क्रियाओं में समरसता स्थापित करना व कार्य को सुविधाजनक ढंग से चलाना है। किस विचारक ने ये बात बोली थी, देखिए याद कीजिए, हमने नियंत्रण के क्षेत्र के साथ एक और कौन सा सिद्धांत पढ़ा था, समन्वय का। तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, हेनरी फेयोल, सेक्लर हर्सन, मूने एवं रैली या फिर नीग्रो। इसका सही उत्तर क्या होगा, हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने कहा था कि संगठन की जितनी भी अलग अलग क्रियाएं हैं उनमें आपस में समरसता स्थापित करने से संगठन को सुविधाजनक रूप से चलाया जा सकता है। निम्नलिखित में से समन्वय के बारे में क्या सही नहीं है, तो देखते हैं, यह सतत एवं अनवरत प्रक्रिया है, ये बिल्कुल ठीक है।
जो समन्वय की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। जब संगठन की स्थापना करनी थी, जब हमने जो नियोजन कार्य किया था, जब हम कार्य कर रहे हैं तब, और आगे हमको जो कार्य करना है तब, तो ये जो समन्वय की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। संगठन के विभिन्न स्तरों से जुड़ी प्रक्रिया, ये भी सही है कि ये संगठन के विभिन्न स्तरों से जुड़ी होती है। ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ एक स्तर पर समन्वय किया जा रहा है, दूसरे स्तर पर समन्वय नहीं किया जा रहा है, तो ये विभिन्न स्तरों से जुड़ी होती है। सी, सामूहिक सहयोग पर आधारित है, ये भी सही है। एक व्यक्ति, मान लीजिए मैं खुद अपना समन्वय क्या करूंगी, जब तक समन्वय तो किसका होगा, एक समूह का होगा, यह स्वैच्छिक है, ये बात सही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि मेरा, अगर मुझे कोई समन्वित कर रहा है, मेरी गतिविधियों को ही समन्वित कर रहा है, मैं बोलूं नहीं मेरा मन नहीं है समन्वय करने का, ऐसा नहीं होगा ना। ये कोई स्वैच्छिक प्रक्रिया तो है ही नहीं, ये तो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक रूप है। याद कीजिए जेम्स मूने ने क्या बोला था कि संगठन का प्रथम सिद्धांत किसे माना जाना चाहिए, समन्वय को माना जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी, कि यह स्वैच्छिक है। निम्नलिखित में से समन्वय का प्रकार नहीं है, हमने समन्वय के कुछ प्रकार भी पढ़े थे, तो आपको बताना है कि इसमें समन्वय का कौन सा प्रकार नहीं है। देखिए, लंबरूप समन्वय, आंतरिक समन्वय, अंतरवैयक्तिक समन्वय, क्षैतिजिक समन्वय। लंबरूप समन्वय हमने पढ़ा था, उच्च व अधीनस्थ के मध्य जो समन्वय किया जाता है। आंतरिक समन्वय, संगठन की विभिन्न इकाइयों के मध्य समन्वय। क्षैतिजिक समन्वय, समान स्तरों पर समन्वय। अंतरवैयक्तिक समन्वय, देखिए समन्वय किसमें किया जा रहा है, व्यक्तियों की कार्यों में, उनकी गतिविधियों में किया जा रहा है, अंतरवैयक्तिक समन्वय नहीं किया जा रहा है किसी भी औपचारिक संगठन में। तो इसका क्या उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा सी, अंतरवैयक्तिक समन्वय। मैं आशा करती हूं कि आपने पिछली का क्लास अच्छे से पढ़ी थी, इसलिए आप लोगों ने इसके सारे प्रश्न सही दिए होंगे, और यदि जिसके गलत भी होंगे तो वो अब समझ गए होंगे कि उसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कि देखिए इसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कि सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण है क्या, उसका कार्य क्या क्या है, उनके प्रकार क्या हैं और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए सूत्र एवं स्टाफ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, आपके माध्यम से ही समझते हैं। आप लोग क्या करने वाले हैं, टीचर बनने वाले हैं, है ना। तो यदि हम एक स्कूल को संगठन मान लें, देखिए सूत्र क्या होता है, यदि ये संगठन है तो ये जो लाइन है ये क्या है, सूत्र है। उच्च से लेके निम्न तक की जो लाइन है वो क्या है, सूत्र है। और ये जो इनको मदद कर रहे हैं इनके कामों में, ये कौन है, स्टाफ है। देखिए संगठन का एक ना एक उद्देश्य होता है, तो यदि हम स्कूल को संगठन बोल रहे हैं तो स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षा उपलब्ध करवाना। अब उसमें भी जितने भी शिक्षक हैं जो आप बनने वाले हैं वो मुख्य कार्यपालिका से जुड़े हुए हैं, उनका उद्देश्य क्या है, वही जो मुख्य कार्यपालिका का है। और इसके अलावा तो स्टाफ क्या होता है, देखिए आपको आपके नोट्स बनाने हैं, पीपीटी बनानी है, या फिर कोई और काम है जैसे कि बच्चों की फीस जमा होती है, तो ये जो सहायक कार्य होते हैं ये जिनके द्वारा किए जाते हैं वो स्टाफ कहलाता है। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि जो सूत्र होते हैं वो मुख्य कार्यपालिका के उद्देश्यों से प्रत्यक्षता संबंधित होते हैं, और जो स्टाफ होते हैं वो क्या करते हैं, सूत्र को मदद करने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं संगठन सूत्र क्या होता है। देखिए संगठन की मुख्य कार्यपालिका को सहायता देने के लिए सूत्र अभिकरण और स्टाफ अभिकरण है। जो संगठन की मुख्य कार्यपालिका है, जो मुख्य कार्यपालिका है वो अकेले तो काम कर नहीं सकती, उसने जो भी उद्देश्य निर्धारित करे उनकी पूर्ति वो अकेले तो कर नहीं सकती, क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति कितना भी विशेषज्ञ हो पर वो हर काम में विशेषज्ञ नहीं हो सकता। यदि आप सोचें कि वो वित्त का काम भी कर ले, वो कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर ले, और इसके अलावा वो तकनीकी विशेषज्ञ भी हो, प्रशासनिक विशेषज्ञ भी हो,
बाहरी संगठनों से भी समन्वय कर ले, मतलब सारे काम एक खुद कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मुख्य कार्यपालिका को मदद देने के लिए दो अभिकरणों की स्थापना की गई है, एक है सूत्र अभिकरण और एक है स्टाफ अभिकरण। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, मुख्य कार्यपालिका को सहयोग कर रहे हैं। आप देखिए क्या बोल रहे हैं कि सूत्र अभिकरण क्या होता है, संगठन के उद्देश्यों से प्रत्यक्षतः संबंधित होता है। जैसे अभी हमने देखा था कि यदि हम स्कूल का एक उदाहरण ले रहे हैं, स्कूल का काम क्या है, शिक्षा प्रदान करना, तो जो भी उस स्कूल के टीचर्स हैं, आप लोग किस श्रेणी में आएंगे, लाइन के श्रेणी में आएंगे, सूत्र अभिकरण कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस संगठन के प्रमुख उद्देश्य से प्रत्यक्षतः संबंधित हैं, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं आप लोग उनका जो उद्देश्य है संगठन का। तो ये स्टाफ अभिकरण क्या होता है, सूत्र अभिकरण को सहायता प्रदान करने के लिए। देखिए सूत्र अभिकरण क्या कर रहा है, मुख्य कार्यपालिका से प्रत्यक्षतः जुड़ा हुआ है। स्टाफ अभिकरण क्या कर रहा है, सूत्र अभिकरण को भी सहायता दे रहा है और कभी कभी ये मुख्य कार्यपालिका को भी सहायता देता है ना। अब ये जो सूत्र एवं स्टाफ है ये आया कहां से, कैसे ये विचार आया कि इस स्टाफ को या फिर इन कर्मचारियों को सूत्र की श्रेणी में या फिर इन कर्मचारियों को स्टाफ की श्रेणी में रखा जाएगा, तो ये विचार कहां से आया, ये विचार आया है सैन्य प्रशासन से। देखिए सैन्य प्रशासन जो होता है उसमें जो व्यक्ति युद्ध में लड़ रहे हैं वो क्या है, सूत्र हैं जो युद्ध में लड़ रहे हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति इन युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को गोला बारूद उपलब्ध करवा रहे हैं, उनका खाना बनवा रहे हैं, उनकी जो भी बाहरी मदद हो सकती है वो मदद कर रहे हैं, वो कौन हो गए, स्टाफ अभिकरण हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या होते हैं सूत्र, सैन्य प्रशासन का मुख्य लक्ष्य क्या है, उन देश की रक्षा करना, यदि कोई भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं तो फिर उधर लड़ाई करना, युद्ध करना भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी जो भी व्यक्ति प्रत्यक्षतः काम किया जा रहा है मुख्य कार्यपालिका के उद्देश्यों से प्रत्यक्षतः संबंधित है वो तो हो गया सूत्र, और जो उन्हें मदद देने का काम कर रहे हैं वो हो गया स्टाफ। पर एक बात बताइए, क्या सैनिक खुद लड़ने चले जाते हैं जैसे उनको लगा भैया आकस्मिक परिस्थितियां होंगी चलो चलो लड़ाई करेंगे, नहीं, क्या होता है कोई ना कोई उन्हें आदेश देता है, उनका जो कर्नल होंगे वो उन्हें आदेश देंगे, तो वो जो कर्नल जो आदेश दे रहे हैं वो किसमें आएंगे, वो किसमें आएंगे, वो भी सूत्र में आएंगे, क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं, मुख्य कार्यपालिका के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ही तो उन्हें सहायता दे रहे हैं, तो इसलिए तो उन्हें आदेश दे रहे हैं, तो वो भी किसमें आएंगे, सूत्र में आएंगे। पर यदि हम लोग ने कभी ध्यान दिया हो, टीवी में कोई मूवी देखी हो, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही सैनिकों की बंदूकों की गोलियां खत्म हुई उनके पास और आती रहती है ना, तो वो जो और भेज रहे हैं वो कौन हो गया, स्टाफ हो गया, ठीक है। तो अब समझ में आ गया आपको सूत्र और स्टाफ में अंतर, ये अवधारणा कहां से ली गई है, सैन्य प्रशासन से ली गई है। देखिए सूत्र अभिकरण के बारे का अर्थ क्या है और इसके बारे में विचारकों ने क्या क्या कहा है। सूत्र अभिकरण संगठन के लक्ष्यों से प्रत्यक्षतः संबंधित होते हैं, अर्थात यह है संगठन के मुख्य कार्यपालन की आज्ञा को निरूपित करता है तथा सफलता के लिए प्रयास करता है। जो भी मुख्य कार्यपालिका का उद्देश्य है उनके कार्यों की पूर्ति करना, उन्हें लागू करना और उनकी सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना, ये किसका काम होता है, सूत्र अभिकरण का। एलडी वाइट जो है वो क्या कहते हैं, सूत्र अभिकरण उन प्राथमिक उद्देश्यों से संबंधित रहते हैं जिनके लिए शासन स्थापित किया गया है। हमने देखा था स्कूल की जो स्थापना है वो क्यों की गई है, एजुकेशन देने के लिए, शिक्षा देने के लिए। और आप जो बनने वाले हैं टीचर्स वो क्या है, सूत्र है, क्योंकि आप उससे डायरेक्टली जुड़े रहेंगे, प्रत्यक्षतः जुड़े रहेंगे। अरे भाई आप ही लोग तो होंगे जो वहां जाके पढ़ाएंगे, है ना। लेपावस्की ने क्या बोला, सूत्र संगठन में सत्ता एवं उत्तरदायित्व की सेवाएं ऊपर से नीचे तक फैली हुई है। देखिए हमने जब संगठन बनाया था तो उसमें मैंने ये लाइन खींची थी, तो ये लाइन क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक फैला हुआ एक स्टाफ है, कर्मचारियों का संघ है,
जो ऊपर से लेके नीचे तक फैला रहता है और मुख्य कार्यपालिका के उद्देश्य में सहायता करता है। सूत्र अभिकरण के प्रकार कौन कौन से हैं? ये तीन प्रकार के होते हैं, विभाग, लोक निगम और स्वतंत्र संस्था। देखिए, विभाग में क्या क्या है, रेलवे, कृषि, शिक्षा, वाणिज्य आदि। लोक निगम भारतीय रिजर्व बैंक। स्वतंत्र संस्था यूपीएससी, आरपीएससी, इन सब से आप परिचित होंगे, है ना, निर्वाचन आयोग। अब देखिए, ये जो विभाग हैं, ये क्या काम कर, ये कैसे, यदि हम सरकार को मुख्य कार्यपालिका मान रहे हैं, सरकार का काम क्या है, जनता के कल्याण के लिए कार्य करना, पर क्या सिर्फ और सिर्फ सरकार यानी कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका मिलकर ही क्या सिर्फ इनका निर्माण अच्छे से कर सकती है जनता के कल्याण के लिए? नहीं, उनकी सहायता के लिए कुछ सूत्र अभिकरण है जो उनके कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे रेलवे, कृषि, शिक्षा, वाणिज्य आदि। ये सब क्या होते हैं, विभाग होते हैं। सरकार क्या कर रही है, सरकार को रेलवे से संबंधित जितनी भी नीति का निर्माण करना है उसमें कौन सहायता कर रहे हैं, रेलवे विभाग, कृषि से संबंधित कृषि विभाग, शिक्षा से संबंधित शिक्षा विभाग। तो ये सब क्या कर रहे हैं, मुख्य कार्यपालिका के उद्देश्यों से प्रत्यक्षता जुड़े हुए हैं। जब ये अपनी नीतियों का निर्माण करेंगे तो ये मुख्य कार्यपालिका के उद्देश्य को ध्यान में रख के करेंगे, जो क्या है, जनता का कल्याण करना। तो ये उन्हीं नीतियों के निर्माण की निर्माण करेंगे जो क्या हो, जनता के कल्याण से संबंधित हो। नेक्स्ट है लोक निगम। लोक निगम भी सूत्र अभिकरण है, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो तो मुंबई में है, पर जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये क्या कर रहा है, हमारे देश की जितनी भी वित्त व्यवस्था है उसको देखने का काम कर रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है, सरकार को मदद कर रहा है। नेक्स्ट है स्वतंत्र संस्था। कुछ स्वतंत्र संस्थाएं भी बना दी जाती हैं। अब देखिए, सरकार ने तो क्या काम कह दिया कि अच्छे से अच्छे कर्मचारी आने चाहिए संघ लोक सेवा आयोग में। ठीक है, और यदि हम निर्वाचन आयोग की बात करें तो अच्छे से अच्छी निर्वाचन प्रक्रिया होनी चाहिए, सुस्पष्ट होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया, एक संस्था है यूपीएससी, जो क्या करती है, कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। अखिल भारतीय संस्थाएं, देखिए याद कीजिए, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह की जो भी नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, यूपीएससी। आरपीएससी भी करती है, अभी आपके जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है वो किसके द्वारा करवाया जा रहा है, आरपीएससी के द्वारा, तो आरपीएससी के द्वारा भी किया जाता है। और निर्वाचन आयोग। तो देखिये, ये जो हमने जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े हैं इनको ध्यान से सोचिए कि इनका काम क्या है और ये कैसे हमारे मुख्य कार्यपालिका के उद्देश्य से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। देखिए, यदि हम जनता के कल्याण करना उनका काम है, रेलवे विभाग उसकी सहायता कर रहा है, कृषि विभाग भी सहायता कर रहा है, लोक निगम की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक, और यदि स्वतंत्र संस्थाओं की बात करें तो सरकार का एक प्रमुख काम क्या होता है कि वो उच्च पदों पर सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों उसमें बैठे, तो उसके लिए कौन मदद कर रहा है, यूपीएससी, आरपीएससी। पूरे देश में निष्पक्ष चुनाव हो सके इसके लिए कौन सहायता कर रहा है, निर्वाचन आयोग। तो इस प्रकार से जो सूत्र होते हैं वो मुख्य कार्यपालिका के उद्देश्यों से प्रत्यक्षता संबंधित होते हैं। ठीक है, जो बहुत सारा काम करते हैं मुख्य कार्यपालिका का। इसकी विशेषताएं और कार्य क्या क्या है, सरकार संगठन के प्राथमिक लक्ष्यों को पूरा करना, मतलब कि जो भी प्राथमिक लक्ष्य है, जैसे यदि जब आप लोग टीचर बन जाएंगे तो स्कूल का प्रमुख काम क्या होगा, शिक्षा प्रदान करना, तो आपका भी काम क्या होगा, उस शिक्षा को कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से किया जाए, ये आपका उत्तरदायित्व होगा। जनता से सीधे संपर्क व सेवा उपलब्ध करवाना, जनता से सीधे संपर्क रखना व सेवा उपलब्ध करवाना। देखिए, आप लोग क्या होंगे, बच्चों से सीधे जुड़े हुए होंगे, कोई मुख्य कार्यपालिका तो सीधे जुड़ी हुई नहीं होगी ना। यदि हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल डायरेक्टली बच्चों से नहीं जुड़ा होगा, डायरेक्टली बच्चों से कौन जुड़े हुए होंगे, आप। उनको जो भी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी वो किसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाएंगी, आपके द्वारा। तो जनता से सीधे संपर्क व सेवाएं उपलब्ध करवाने का काम भी किसका होता है, सूत्र का होता है। विधायिका द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा करना,
जो भी विधायिका ने काम बना दिए उनको पूरा करना। यदि हम स्कूल, क्योंकि हम एक स्कूल का एग्जाम्पल लेते हुए चल रहे हैं, इसलिए मैं बार बार आपको स्कूल के एग्जाम्पल के ही द्वारा इन विशेषताओं और कार्यों को बता रही हूं। देखिए, मुख्य यदि विधायिका, यदि हम आपके स्कूल को मान रहे हैं एक संगठन, तो जो उसकी मुख्य कार्यपालिका है उसने कुछ नियम बना दिए, तो उनको क्या करना, उन कार्यक्रमों को पूरा करना। वो भी किसका काम होगा? आपका ही काम होगा, क्योंकि आप क्या है, सूत्र है, और आप जो है मुख्य कार्यपालिका से प्रत्यक्षतः संबंधित हैं। निर्णय लेना व आदेश देना। देखिए, आप अपनी क्लास में निर्णय ले सकते हैं और आदेश भी दे सकते हैं। आपको यदि कोई काम सौंपा गया है तो उस पर्टिकुलर कार्य क्षेत्र में आपको स्वायत्तता भी दी गई होगी। स्वायत्तता से क्या तात्पर्य है यहाँ पे? स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। मुख्य कार्यपालिका से प्रत्यक्षतः संबंधित, ये तो हम बहुत देर से पढ़ ही रहे हैं कि जो सूत्र होते हैं वो किससे प्रत्यक्षतः संबंधित होते हैं? मुख्य कार्यपालिका से। अब स्टाफ अभिकरण क्या है? अभी तक हमने सूत्र अभिकरण के कार्य पढ़े, उनके प्रकार पढ़े, उनको समझा कि ये वो अभिकरण है जो लोक प्रशासन से प्रत्यक्षतः जो सरकार से प्रत्यक्षतः संबंधित है। स्टाफ अभिकरण का अर्थ क्या है? मुख्य कार्यकारी को सहायता, परामर्श एवं सूचना उपलब्ध कराने वाले कर्मचारी स्टाफ अभिकरण में आते हैं। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग क्या कर रहा है? नीति निर्माण नहीं कर रहा है, पर नीति निर्माण को कैसे अच्छे से अच्छे किया जा सकता है इसके बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो गया? एक स्टाफ अभिकरण हो गया। ये क्या कर रहा है? सूत्र अभिकरण को और मुख्य कार्यपालिका को मदद देने का काम कर रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं? स्टाफ अभिकरण। देखिए, हेनरी फेयोल ने क्या कहा? स्टाफ अभिकरण को प्रबंध के विचारों का विस्तार बताया गया है। जो स्टाफ अभिकरण होते हैं वो क्या होते हैं? प्रबंध के विचारों का विस्तार कहा है। ऐसा किसने कहा है? हेनरी फेयोल ने। एलडी वाइट क्या कहते हैं? स्टाफ अभिकरण को उच्च अधिकारियों को परामर्श देने वाला अभिकरण माना है जिनके क्रियात्मक दायित्व नहीं है। एलडी वाइट का क्या मानना है कि वो सिर्फ परामर्श देने का काम करते हैं, वो उनका कोई क्रियात्मक दायित्व नहीं है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था नीति आयोग का, तो नीति आयोग क्या कर रहा है? नीतियों को कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है इसके बारे में क्या दिया जा रहा है? सरकार को परामर्श दिया जा रहा है, पर वो खुद बना तो नहीं रहा है ना। तो ये क्या होता है? एक परामर्शकारी निकाय होता है, परामर्शकारी अभिकरण होता है, जिसके पास कार्य करने का कोई दायित्व नहीं होता है। अब देखिए, स्टाफ अभिकरण के कौन कौन से प्रकार हैं? सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ और सहायक स्टाफ। अब मैं आपको कब से ये बोल रही हूं कि सूत्र अभिकरण को सहायता देने वाला जो अभिकरण है वो क्या है? स्टाफ अभिकरण है। पर स्टाफ अभिकरण के भी अपने प्रकार होते हैं। हर संगठन का एक स्टाफ, जो स्टाफ अभिकरण होता है, वो तीन भागों में बांटा जाता है। वो भाग कौन कौन से हैं? सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ और सहायक स्टाफ। ये सामान्य, अब इनको कैसे हमने अंतर किया, कैसे इनको बांटा, हमने कैसे इनको बांटा? इनके कार्यों के आधार पर। देखिए, सामान्य स्टाफ क्या कर रहा है? उच्च स्तरीय अधिकारी को नीतिगत व प्रशासनिक मामलों पर सलाह दे रहा है। ये ध्यान रखिए, ये कुछ भी नीति का निर्माण नहीं कर रहा है, नीतियों की क्रियान्विति नहीं कर रहा है, बस क्या कर रहा है? सलाह दे रहा है। तो किसी भी संगठन में जो कर्मचारी नीतियों के निर्माण में सहायता दे रहे हैं, तथ्य एकत्रित करके ला रहे हैं, उन्हें परामर्श प्रदान कर रहे हैं, वो क्या है? सामान्य स्टाफ है। अब देखिए, पिफनर इनके बारे में कितनी अच्छी बात बोलते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये क्या है? छलनी व कीप के समान है। कैसे? इनके सहयोग से मुख्य कार्यपालिका आवश्यक तथ्यों को छलनी की भांति व सूचनाओं को कीप की भांति प्राप्त करती है। इसका कहने का मतलब क्या है? जो भी बात मुख्य कार्यपालिका तक पहुंचनी है तो वो क्या होती है? छन कर पहुंचती है। छन कर पहुंचने का मतलब क्या हो गया? जो आवश्यक है बस वही उन तक पहुंचता है, अनावश्यक जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें हटा दिया जाता है। किसके द्वारा? स्टाफ के द्वारा, और वो भी कौन सा स्टाफ का प्रकार? सामान्य स्टाफ के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, तकनीकी स्टाफ की क्या खास बात है?
तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु, हर संगठन में कुछ ना कुछ तकनीकी संबंधी काम होते ही हैं, उनके लिए भी क्या किया जाता है, उनको परामर्श देने के लिए भी एक स्टाफ अभिकरण है। वो किस प्रकार का अभिकरण कहलाता है? तकनीकी स्टाफ कहलाता है। जैसे वित्तीय एवं व्यापारिक विशेषज्ञ किसी भी संगठन को कैसे व्यापार करना है, अपने वित्त को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसका प्रबंध करना है, व्यवस्था करनी है, उसके लिए कौन होते हैं? तकनीकी स्टाफ होता है। ठीक है, अब देखते हैं सहायक स्टाफ। यह कार्यों को करने की सहायता करते हैं, अर्थात ये वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित है। जैसे कि कोई भी कच्चा माल लेकर आना, या फिर सफाई कर्मचारी जो हमारे स्कूल्स वगैरह में या कॉलेजेस में जो चाय बनाकर ला रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? आपको कार्य करने में आपकी सहायता ही तो कर रहे हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो, यदि सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करेंगे तो क्या आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे? उस गंदी जगह पर बैठ के अपना काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये भी क्या है? एक सहायक स्टाफ है जो सूत्राभिकरण को सहायता प्रदान कर रहे हैं। और इनको विलोबी और एलडी वाइट बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, और वो क्या कहते हैं कि ये गृहपालक क्रियाएं हैं। ठीक है, और या फिर ये सहायक अभिकरण है। इनको सहायक अभिकरण किसने कहा? एलडी वाइट ने, और विलोबी ने क्या बोला कि ये गृहपालक संस्थाएं हैं। अब इनके कार्य क्या क्या हैं? मुख्य अधिकारी को सहायता प्रदान करना। जी बिल्कुल, ये हमने देखा कि ये मुख्य अधिकारी को कैसे कैसे सहायता प्रदान करते हैं। कुछ नीतिगत और प्रशासनिक मामलों में परामर्श दे रहे हैं, तो कुछ उनको तकनीकी परामर्श दे रहे हैं, तो कुछ उनको अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान कर रहे हैं। नेक्स्ट, मुख्य अधिकारी एवं सूत्र को आवश्यकता अनुसार सलाह दी जाती है। ये भी अभी हमने इनके प्रकार में देखा। तथ्य संग्रह व शोध कार्य, कोई भी नीति निर्माण करना होगा उसके लिए क्या आवश्यक है? तथ्यों का संग्रह किया जाए। वो तथ्यों का संग्रह किसके द्वारा किया जा रहा है? स्टाफ अभिकरण के द्वारा। ठीक है, सत्ता प्रत्यायोजन होने पर सीमित क्षेत्र में उपयोग। और कभी कभी क्या होता है, जो सूत्र अभिकरण होते हैं वो अपना सत्ता कुछ समय के लिए किसको दे देते हैं? स्टाफ अभिकरण को। तो ऐसा होने पर क्या किया जाता है? उसके द्वारा उनको सीमित क्षेत्र में सत्ता का उपयोग किया जाता है स्टाफ अभिकरण के द्वारा। देखिए, मुने के अनुसार स्टाफ अभिकरण तीन प्रकार के होते हैं, सूचनात्मक, परामर्शकारी और निरीक्षात्मक। हमने देखा सूचना देते हैं, सूचना मतलब कि तथ्य एकत्रित करके लाना, नीति निर्माण के लिए तथ्य एकत्रित किया जाना। परामर्शकारी, उन्हें सुझाव देना, उन्हें परामर्श देना। और निरीक्षणात्मक मतलब कि जो भी काम किया जा रहा है उसका निरीक्षण करना, उसके बाद उनको मुख्य कार्यपालिका को या फिर सूत्र अभिकरण को उसकी रिपोर्ट देना। ठीक है, ये मुने के अनुसार स्टाफ अभिकरण कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के। तो देखिए, अब इस टॉपिक से आपके क्या क्या संभावित प्रश्न आने की संभावनाएं हैं वो हम देखते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। सूत्र अभिकरण का प्रमुख कार्य है मुख्य कार्यपालिका को लक्ष्य प्राप्ति में सहायता देना, तथ्य संग्रह व शोध कार्य, परामर्श संबंधी कार्य, प्रचार प्रसार संबंधी कार्य। तो इसका उत्तर क्या होगा? मुख्य कार्यपालिका को लक्ष्य प्राप्ति में सहायता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्र संगठन में सत्ता एवं उत्तरदायित्व की सेवाएं ऊपर से नीचे तक फैली रहती हैं, यह किस विचारक की परिभाषा है? देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? लेपावस्की। उन्होंने क्या बोला था कि सत्ता एवं उत्तरदायित्व की जो सेवाएं होती हैं वो ऊपर से नीचे तक फैली होती हैं, तभी तो हम कहते हैं इसको लाइन सूत्र, है ना। स्टाफ अभिकरण को प्रबंध के विचारों का विस्तार किसने बताया? अभी हमने पढ़ा था, यदि आप क्लास अच्छे से ले रहे हैं तो इसका उत्तर आप बता देंगे। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, इसका उत्तर होगा हेनरी फेयॉल। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने स्टाफ अभिकरण को छलनी व कीप कहा? ये भी आप बता देंगे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप क्लास जो है वो अच्छे से पढ़ रहे हैं। देखिए, इसका उत्तर क्या है? पिफनर, बिल्कुल सही। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टाफ अभिकरण का प्रकार नहीं है? अभी हमने स्टाफ अभिकरण के प्रकार पढ़े थे ना,
तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टाफ अभिकरण का प्रकार नहीं है। देखिए सामान्य स्टाफ पढ़ा था हमने, जो नीति व प्रशासनिक मामलों में परामर्श दे रहा है। तकनीकी स्टाफ भी पढ़ा था, जो तकनीकी संबंधी मामलों में परामर्श दे रहा है। सहायक स्टाफ भी हमने पढ़ा था, जो अप्रत्यक्ष रूप से उनको सहायता देता है। पर क्रियात्मक स्टाफ हमने नहीं पढ़ा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्रियात्मक स्टाफ। अब और क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्टाफ अभिकरण का नहीं है? पहला है तथ्य संग्रह व शोध कार्य, आवश्यकता अनुसार सलाह देने का कार्य, मुख्य कार्यपालिका को उद्देश्य प्राप्ति में प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करने का कार्य, विभिन्न इकाइयों में समन्वय स्थापित करने का कार्य। तो इसका सही उत्तर है विभिन्न इकाइयों में समन्वय स्थापित करने का कार्य, यह स्टाफ अभिकरण का कार्य नहीं होता। देखिए वो तथ्य संग्रह व शोध कार्य कर रहा है, सलाह भी देता है और वो उद्देश्य प्राप्ति में प्रत्यक्ष रूप से सहायता भी करता है, पर वो विभिन्न इकाइयों में समन्वय स्थापित करने का उसका कार्य नहीं है। तो अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं? ओह, हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। देखिए इस शब्द से, इस पिक्चर को देखकर आपको क्या लग रहा है? केंद्रीकरण एक केंद्र पर, विकेंद्रीकरण बहुत सारे केंद्र पर। क्या पर? क्या सत्ता? यहां पर क्या बोला गया है, देखिए इस, ये जो है इस केंद्र पर ही सत्ता निहित है। जो ये केंद्र क्या व्यक्ति जो बोलेगा, वही इन सारे व्यक्तियों को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। वो क्या होता है, केंद्रीकरण, जब सत्ता एक ही बिंदु पर निहित हो। विकेंद्रीकरण क्या होता है, ये जो बिंदु था इसने क्या करी, अपनी सत्ता विभिन्न बिंदुओं में बांट दी, विभिन्न केंद्रों में विभाजित कर दी, तो वो क्या हो गया, विकेंद्रीकरण। पर हम इसके बारे में अब विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए क्या है, अर्थ व परिभाषा और गुण व दोष। इस केंद्रीकरण का क्या अर्थ है, विभिन्न विचारकों ने इसकी क्या क्या परिभाषा दी है, इसके क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहला क्या है, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण विपरीत अवधारणा है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों विपरीत अवधारणा है। ये दोनों की जो बातें वो कैसी हैं, विपरीत हैं। कैसे है अभी आपको पता लगेगा। संगठन में नीति निर्धारण और निर्णय लेने की शक्तियां संगठन के सर्वोच्च शिखर पर निहित होना, ये तो क्या होता है, विकेंद्रीकरण। जब कोई भी निर्णय लेना हो या फिर शक्ति हो वो सिर्फ एक ही केंद्र पर निहित हो तो उसको क्या बोला जाता है, विकेंद्रीकरण। जैसे कि यूजीसी, ठीक है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है वही क्या करता है, कॉलेजेस का परीक्षण करता है, उनका निरीक्षण करता है, उसके अनुसार उनको अनुदान दिया जाता है। तो ये क्या हो गई, सत्ता एक ही केंद्र पर निहित हो गई, कि जो भी काम किए जाएंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे, यूजीसी के द्वारा। उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा तो भी किसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा। और यदि कोई भी उनको अनुदान दिया जाना है तो वो भी किसके द्वारा दिया जाएगा, यूजीसी के द्वारा। तो विकेंद्रीकरण क्या होता है, संगठन में नीति निर्धारण एवं निर्णय लेने की शक्तियां संगठन के प्रत्येक स्तर पर निहित होना। अब देखिए ये विपरीत बात बोल रहा है, हो गई विपरीत अवधारणा। केंद्रीकरण ने क्या बोला, एक स्तर पर, और जबकि विकेंद्रीकरण क्या बोलता है कि विभिन्न स्तरों पर, संगठन के विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की और शक्ति का संगठन हो वो क्या होता है, विकेंद्रीकरण। जब संगठन के प्रत्येक स्तर पर निर्णय लेने की और निर्णय लेने की शक्ति होती है वो क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण। और जब सिर्फ एक ही केंद्र पर होती है तो वो क्या कहलाता है, केंद्रीकरण। ठीक है, जैसे कि पंचायती राज संस्थाएं। अब जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, तो क्या हो गया, इसमें थोड़ा सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। हर किसी को अपने अपने क्षेत्र में निश्चित क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। जैसे कि पंचायती राज संस्थाएं हैं, वो अपने पंचायत क्षेत्र के लिए कानून का निर्माण कर सकती है। इसकी परिभाषाएं क्या, हेनरी फ्योल ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। देखिए उन्होंने क्या बोला है, जिससे अधीनस्थों के महत्व में वृद्धि हो वो क्या है, विकेंद्रीकरण,
और जो अधीनस्थों के महत्व को घटाए वो क्या है, केंद्रीकरण है। ठीक है, अधीनस्थों के महत्व में वृद्धि कैसे होगी, जब आप अधीनस्थों को निर्णय लेने की शक्ति देंगे, उन्हें क्षेत्राधिकार देंगे, उन्हें कुछ अधिकार देंगे, तो क्या हो गई, अधीनस्थों के महत्व में वृद्धि हो गई। पर वहीं यदि सारी निर्णय की शक्तियां और अधिकार उच्च अधिकारी के पास ही निहित होंगे तो वो क्या हो गया, निम्न अधिकारियों के महत्व को कम कर दिया। देखिए कितने अच्छे से बताया ना केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण को हेनरी फ्योल जी ने। और नेक्स्ट क्या है, एलडी वाइट, वो क्या कहते हैं, प्रशासन के निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रशासकीय सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया केंद्रीकरण कहलाती है। जब निम्न तल से उच्च तल की ओर सत्ता का हस्तांतरण होता है तो वो क्या होता है, केंद्रीकरण। देखिए सत्ता जो है वो, और क्या बोलना चाह रहा है ये, अगर हम इसको शॉर्ट में देखें, सत्ता कहाँ हो गई, उच्च स्तर पर, निम्न स्तर पर से सत्ता कहाँ जा रही है, ऊंचे स्तर पे। ये देखिए यदि ये संगठन है, निम्न स्तर के पास सत्ता होगी पर बहुत कम, इससे ऊंचे वाले के पास सत्ता होगी पर उससे बहुत कम, इससे ऊंचे पर भी कम, इससे ऊंचे पर भी कम, पर यहां पर सर्वश्रेष्ठ। तो क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर तल जा रहा है, मतलब कि सबसे जो निम्न वाला जो तल है इसके पास सबसे कम सत्ता, इसके पास निम्न तल से थोड़ी सी ज्यादा सत्ता, और इसके पास इस स्तर से ज्यादा सत्ता, और इसके पास इस स्तर से ज्यादा सत्ता, पर सर्वश्रेष्ठ सत्ता कहां पर है, उच्च स्तर पर। तो ये क्या है, केंद्रीकरण है। वहीं इसके ठीक विपरीत, मतलब कि प्रत्येक स्तर पर सत्ता हो तो वो क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण कैसे, जब उच्च स्तर से सत्ता को निम्न स्तर की तरफ स्थानांतरित कर दिया हो, उच्च स्तर के पास भी है पर निम्न स्तर के पास भी सत्ता है, तो वो क्या है, विकेंद्रीकरण है। अब देखिए केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण में अंतर समझ लेते हैं तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि केंद्रीकरण क्या है और विकेंद्रीकरण क्या है। केंद्रीकरण सत्ता कहां पर है, एक केंद्र पर ही है, और विकेंद्रीकरण क्या किया, इस केंद्र ने क्या किया, अपनी सत्ता का विभाजन कर दिया विभिन्न केंद्रों में, तो ये क्या है, विकेंद्रीकरण। अब देखिए इनके अंतर, उच्च स्तर पर सत्ता केंद्रित, यदि हम केंद्रीकरण की बात करें तो क्या है, सत्ता कहां पर होगी, उच्च स्तर पर, जबकि विकेंद्रीकरण में स्तर पर सत्ता की भागीदारी, मतलब प्रत्येक स्तर पर सत्ता की भागीदारी होती है, प्रत्येक स्तर पर सत्ता निहित होती है। परंपरावादी व कठोर प्रक्रिया, देखिए जो परंपरागत जो संगठन है उनका ये मानना, उन उच्च अधिकारियों को ये मानना है कि नहीं सारी सत्ता मैं अपने पास ही रखूंगा, मैं नहीं दूंगा किसी को, जैसे दादियां क्या करती हैं, हमारी अगर बहू आई है तो हम नहीं देंगे चाबी, सत्ता हमारे पास ही रहेगी, है ना, हमने अक्सर सुना होगा ऐसा घरों में। तो ये क्या है, परंपरावादी और कठोर प्रक्रिया है। वहीं विकेंद्रीकरण क्या मानता है कि लोकतांत्रिक और लोकशीलता होनी चाहिए, मतलब कि लोकतांत्रिक मतलब कि लोगों का तंत्र, जहां पे हर स्तर पर सत्ता हो, हर स्तर के लोग अपने निर्णय लेने में समर्थ हो, और लोकशीलता होनी चाहिए, किसी कोई भी निर्णय बहुत कठोर नहीं हो जाना चाहिए, यदि आवश्यकता पड़े तो उसे बदला भी जा सकता है। तीसरा क्या है, अधीनस्थों व जन सहयोग में कम विश्वास, ये लोग क्या करते हैं, बहुत कम विश्वास करते हैं। ठीक है, हमारे यदि हम बात करते भी दादियों की तो वो क्या करते हैं, बहुत कम विश्वास करते हैं कि नहीं मुझे नहीं लगता कि अच्छे से घर को चला पाएगी, इसलिए मैं चाबी तो अपने पास ही रखूंगी, है ना। पर ये क्या है, परंपरावादी विचारधारा है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने अधीनस्थों में बहुत कम विश्वास करते हैं, जन सहयोग में विश्वास नहीं करते हैं, वो आपस में विचार विमर्श करके निर्णय लेने में भी विश्वास नहीं करते हैं। तो पर विकेंद्रीकरण क्या करता है, जन सहयोग पर निर्भर है, वो क्या मानता है कि जनता में या फिर अधीनस्थों में विश्वास किया जा सकता है, उन्हें भी तो सत्ता दो, तभी तो पता लगेगा कि देखिए यदि आप सिर्फ, मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि कोई भी एक काम है जिसे सिर्फ एक अकेला व्यक्ति कर रहा है तो वो कार्यकुशलता और दक्षता से नहीं कर पाएगा, पर वही यदि किसी काम को बहुत सारे लोगों में विभाजित कर दिया जाए तो काम अच्छे से हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई शादी है, अब यदि शादी की सारी तैयारियां करनी हो एक अकेले व्यक्ति को तो क्या वो पॉसिबल है, नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे रिश्तेदारों में काम को बांट देते हैं,
खाने का काम आप देखेंगे, साथ सज्जा का काम आप लोग देखेंगे, रिश्तेदारों को आप देखेंगे। इस तरह से हमने क्या किया, कामों को बांट दिया। तो जब और हमने क्या सत्ता का भी बंटवारा कर दिया, केंद्रीकरण नहीं हुआ ना। जो खाने का काम देख रहा है उसे बार बार आके पूछना नहीं पड़ेगा, उसने क्या किया सत्ता को दे दिया कि अब आप काम करो। तो इससे क्या होता है, कार्य कुशलता आती है, दक्षता आती है, काम अच्छे से हो पाता है। निर्णय उच्च स्तर पर केंद्रित, भाई जब सत्ता उच्च स्तर पर है तो निर्णय भी उच्च स्तर पर ही केंद्रित होंगे। निर्णय क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा, जब हमने विकेंद्रीकरण कर दिया, देखिए इस केंद्र ने क्या किया, अपनी सत्ता को बहुत सारे भागों में बांट दिया, तो क्या होगा, विभिन्न क्षेत्र इकाइयों द्वारा निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीकरण के गुण या लाभ, व्यक्तिगत नेतृत्व को अधिक समर्थन। इसमें क्या बोला जाता है कि जो व्यक्तिगत नेतृत्व है उसे अधिक समर्थन दिया जाता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैंने जो बोल दिया वही काम होना चाहिए, मैं अपने अधीनस्थों में विश्वास नहीं करता हूं। तो क्या किया जाए, एक ही व्यक्ति के नेतृत्व को समर्थन दिया जाता है। व्यक्तिगत हित के स्थान पर राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। अब देखिए केंद्रीकरण का एक फायदा क्या होता है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति का निर्माण कर दिया गया। वो राष्ट्रीय स्तर पर जब नीति का निर्माण किया गया था तो वो क्या ध्यान में रख के किया था, पूरे राष्ट्र का क्या हो सके, कल्याण हो सके। तो इसीलिए व्यक्तिगत हित के या व्यक्तिगत क्षेत्र के लिए नीतियां नहीं बना रहे हैं, पर ये किसके लिए नीतियां बनाते हैं, राष्ट्रीय हित। इनके लिए राष्ट्रीय हित इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ एक निश्चित क्षेत्र का विकास। संगठन की समस्त क्रियाओं में एक रूपता व समन्वय। आप देखिए यदि संगठन का पूरा काम इस व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाएगा तो आसानी से क्या की जा सकती है, इनमें समन्वय किया जा सकता है, क्योंकि आदेश देने वाला एक ही व्यक्ति है तो उनके कार्यों में क्या किया जा सकता है, समन्वय स्थापित किया जा सकता है, संगठन में एक रूपता आ सकती है, सब एक ही प्रकार से काम कर रहे हैं, किसी के कार्यों में कोई भी अंतर नहीं है। तो इस तरह से क्या हो गया, समन्वित और एक रूपता आ गई। और क्या है, कठोर नियंत्रण के कारण भ्रष्टाचार की कम संभावना। अब देखिए यदि हम बहुत सारे स्तरों पर सत्ता बांट देंगे तो भ्रष्टाचार होने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि निर्णय लेने की जो शक्ति है वो विभिन्न स्तरों पर स्थापित हो चुकी है। इसीलिए यहां पर यदि सत्ता है तो क्या होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, क्योंकि नियंत्रण केवल एक व्यक्ति के हाथ में है। अतिराव से मुक्ति के कारण मितव्यता। अतिराव क्या होता है, ओवरलैपिंग, एक ही काम को दो दो तीन तीन बार करना, उससे क्या होती है, मुक्ति मिल जाती है, जिससे खर्चा भी कम हो जाता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बार बार वही चीज दोहरा रही हूं, क्योंकि सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित है, वही व्यक्ति आदेश दे रहा है, तो क्या होगी, उसको पता होगा कि किस व्यक्ति को कौन सा आदेश दिया जाना है, किस व्यक्ति को कौन सा आदेश नहीं दिया जाना है। तो इस तरह से क्या होगा, कार्यों में दोहराव नहीं आएगा। पर देखिए जिसके जितने फायदे उसके उतने नुकसान भी, तो इसके दोष क्या क्या हैं? निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता के अभाव के कारण अलोकतांत्रिक, ये अपने अधीनस्थों में विश्वास नहीं करता है, संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में ही रखना चाहता है, तो इसको हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं, है ना, ये कैसा एक अलोकतांत्रिक है। प्रशासन लचीला ना होकर कठोर होता है, इसके अपने कुछ नियम होते हैं, जो मैंने आदेश दे दिया वो दे दिया, ऐसा मानते हैं केंद्रीकरण के उच्च अधिकारी। कर्मचारियों का व्यवहारिक एवं क्षेत्रीय ज्ञान का लाभ प्राप्त नहीं होता। देखिए जो एक बहुत ऊंचे स्तर पर जो व्यक्ति बैठा है उसे क्या पता कि निम्न स्तर की अधिकारियों, निम्न स्तर की जो इकाइयां हैं उनकी क्या परेशानियां हैं, उनके लिए क्या नीतियों का निर्माण किया जाना है। उसने तो क्या किया, राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति का निर्माण कर दिया, पर जरूरी नहीं है कि वो जो नीति है वो अन्य इकाइयों के लिए भी लाभदायक हो। तो क्षेत्रीय ज्ञान का लाभ नहीं प्राप्त होता है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। एक स्थान पर कार्यभार के कारण अकुशलता को बढ़ावा मिलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यदि शादी का काम सिर्फ एक ही व्यक्ति संभाले तो क्या होगा, सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो क्या आएगी, अकुशलता आती है। ठीक है, अधीनस्थों के मनोबल कमजोर होते हैं, अधीनस्थों को क्या लगता है कि ये हम पे विश्वास ही नहीं करता है,
तो उनका मनोबल गिरने लग जाता है। वो ही सोचते हैं कि ठीक है, इसको विश्वास ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो बेकार हैं, और ऐसी चीजें उसके दिमाग में आने लग जाती है। तो उसका मनोबल कैसा होता है, कमजोर होने लग जाता है। वो पहल नहीं करता है किसी चीजों की, वो बहुत सुस्त हो जाता है कि जैसा उच्च अधिकारी ने बोला वैसा काम कर लेंगे, बस बात खत्म। ठीक है, अब देखिए विकेंद्रीकरण। अब इस विकेंद्रीकरण को समझने से पहले इसके कुछ आयाम देखते हैं, कहां कहां पर विकेंद्रीकरण होता है, कैसे कैसे होता है। अधीनस्थों को निर्णय लेने की शक्ति का हस्तांतरण, इसे भी विकेंद्रीकरण कहा जाता है। जब एक उच्च अधिकारी ने अपने निम्न अधिकारियों को निर्णय लेने की शक्ति दे दी तो वो भी क्या हो गया, एक विकेंद्रीकरण हो गया। ठीक है, संगठन की व्यक्तिगत इकाइयों को अधिक शक्ति सौंपना, संगठन की व्यक्तिगत इकाइयां, अर्थात देखिए बहुत जो संगठन होता है उसमें बहुत सारी इकाइयां काम कर रही हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रशासनिक इकाई, तकनीकी इकाई, कर्मचारियों के चयन से संबंधित इकाई, सुरक्षा संबंधी इकाई, ये बहुत सारी इकाइयां काम कर रही हैं। अब इन इकाइयों के पास स्वायत्तता होती है निर्णय लेने की, तो क्या किया संगठन ने, क्या कर दिया, यहां पर भी सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया। जो भी तकनीकी संबंधी जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो तकनीकी विभाग के द्वारा या फिर तकनीकी इकाई द्वारा लिए जाएंगे, कर्मचारियों के चयन से संबंधित जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो कर्मचारी इकाई के द्वारा लिए जाएंगे। इस प्रकार से क्या किया जाता है, विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। और क्या है, निर्वाचित संस्थाओं को अधिक शक्ति सौंपना, जैसे कि राज्य स्तर पर राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाएं और नगर निगम, इनको भी क्या किया गया, अधिक शक्तियां सौंपी गई हैं। केंद्र सरकार ने इन्हें शक्ति दी गई है कि आप अपने क्षेत्र से संबंधित जो भी निर्णय ले सकते हैं लीजिए, अपने क्षेत्र के कल्याण के लिए जो भी कार्य किए जाने चाहिए वो काम कीजिए। तो ये भी क्या है, विकेंद्रीकरण का ही एक तरीका है। मुख्यालय से दूर स्वतंत्र क्षेत्रीय इकाइयों की स्थापना करना, जैसे यदि हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, तो उसका मुख्यालय कहाँ है, बॉम्बे में है, पर उसने क्या किया, हर देश के हर बड़े बड़े शहरों में क्या कर दिया है, आरबीआई का अपना एक मुख्यालय है। तो इस तरह से भी क्या किया, उसने सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया कि जो मुख्यालय दिल्ली में है या फिर जो मुख्यालय जयपुर में है, जयपुर का जो मुख्यालय से संबंधित जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसका निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, जयपुर के आरबीआई के मुख्यालय के पास ही है। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया जाता है, स्वतंत्र क्षेत्रीय इकाइयों की भी स्थापना की कर दी जाती है। तो ये भी क्या, एक विकेंद्रीकरण का एक टाइप, एक प्रकार है। विभागों को स्वायत्तता प्रदान करना, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, यदि हम बात करें हमारी सरकार की तो रेलवे विभाग है, शिक्षा विभाग है, गृह विभाग है, इन सबको भी क्या किए, अपने अपने क्षेत्र में विकेंद्रीकरण किया गया, कर दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र से संबंधित जितने भी निर्णय लेने चाहते हैं आप लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो देखिए ये जो है विकेंद्रीकरण के प्रकार हैं, इन सारे तरीकों से ही विकेंद्रीकरण किया जाता है। अब इसके गुण क्या है, उच्च अधिकारी के कार्यभार में कमी, सबसे अच्छी बात, यदि आप सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देंगे तो क्या आएगा, आपके कार्यों में कार्य कुशलता आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो भी उच्च अधिकारी होगा उसका कार्यभार थोड़ा सा कम हो गया, तो जो जब कार्यभार कम हो गया तो कैसी आएगी, कार्य कुशलता आती है। प्रक्रिया में सहभागिता के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार, ये क्या करते हैं, प्रक्रिया में सहभागिता, मतलब कि यदि हम राज्य सरकार की बात करें तो वो क्या कर रही है, अपने क्षेत्र के नीति निर्माण संबंधी कार्य करके केंद्र सरकार को सहायता ही तो प्रदान कर रही है, और इससे क्या हो रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार हो रहा है। ये प्रसार किया जा रहा है कि जो उच्च संस्था है, उच्च सत्ता प्राप्त संस्था है, वो अपने निम्न सत्ता प्राप्त संस्थाओं में विश्वास करती है। तो ये क्या है, एक प्रकार के लोकतांत्रिक मूल्य हैं। कार्यों का शीघ्र निस्तारण हो जाता है, जब हम जो उच्च अधिकारी ने अपने कुछ काम निम्न अधिकारियों को सौंप दिए तो क्या होगा, दोनों अपना काम जल्दी और अधिक कार्य कुशलता से, दक्षता से कर पाएंगे। प्रशासन में लोचशीलता, नवाचारों को प्रोत्साहन, मनोबल एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।
देखिए जब लोचशीलता आती है कि जो कोई बात नहीं, यदि हम ये निर्णय नहीं ले पाए हैं तो इसकी जगह कोई निर्णय गलत भी ले लिया तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। नवाचारों को प्रोत्साहन, देखिए जब हम अपने अधीनस्थों में विश्वास करते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ नया आता ही है। वो केंद्रीकरण में क्यों नहीं आ पाता है, क्योंकि यदि एक ही केंद्र बहुत सारे काम करेगा तो वो क्या नवाचार कर पाएगा, पर यदि उन सत्ता को, उन कार्यों को विभिन्न केंद्रों पर बांट दिया गया, विभिन्न विशेषज्ञों को बांट दिया गया, तो हो सकता है उसमें कुछ नवाचार हो जाए, कुछ और अच्छे काम करने के तरीके बाहर आ जाए। इसीलिए कोशिश की जाती है कि जो भी विभाग जिस भी व्यक्ति को सौंपा जा रहा है वो व्यक्ति क्या हो, उस विभाग का विशेषज्ञ हो, ताकि नवाचार किए जा सके। मनोबल, इससे अधीनस्थों को मनोबल मिलता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ उच्च अधिकारी हम पे आदेश निर्देश नहीं दे रहा है, वो हमारे प्रति विश्वास जता रहा है, तो उनके अनुबल को, मनोबल को मजबूती मिलती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जब वो अच्छा काम करते हैं तो उससे क्या होता है, उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में सामंजस्य, इससे नीति निर्माण में और क्रियान्वयन में सामंजस्य बना होता है। देखिए यदि केंद्र स्तर पूरे देश के लिए नीति का निर्माण कर दे और तो क्या वो ये देख पाएगा कि क्रियान्वित अच्छे से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। हो सकता है कुछ क्षेत्र की अपनी अपनी दिक्कतें हो जिन वजह से उनका नीति, वो जो नीति बनाई गई है उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया हो। तो इससे अच्छा क्या होता है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने लिए क्या करता है, अपनी नीतियों का निर्माण करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उस क्षेत्र की क्या आवश्यकता है और वो नीति क्रियान्वित हो भी पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। पर कुछ लाभ है तो कुछ दोष भी हैं। क्या है वो, नियंत्रण समन्वय एवं एकरूपता में बाधा। जब आपने सत्ता को विभिन्न स्तरों पर बांट दिया तो आप समन्वय कैसे करेंगे, क्योंकि जो प्रत्येक स्तर होगा वो अलग अलग प्रकार से काम कर रहा होगा। देखिए हम यदि एक ही काम को चार व्यक्तियों को सौंपते हैं तो वो जो कार्य करने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, तो उनमें समन्वय नहीं आ पाएगा, एक रूपता स्थापित नहीं हो पाएगी। पूर्व विकेंद्रीकरण संभव एवं व्यवहारिक नहीं है। आप पहले से कैसे बोल सकते हैं कि वो काम तुम करना, वो काम तुम करना, पूर्व विकेंद्रीकरण संभव नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है। ठीक है, तो केंद्रीकरण तो करना ही पड़ता है, क्योंकि यदि पूरा का पूरा विकेंद्रीकरण हो गया तो क्या हो जाएगा, देश अव्यवस्थित हो जाएगा, तानाशाही उत्पन्न हो जाएगी। देखिए हालांकि हमारे राज्य सरकार को, स्थानीय सरकार को कुछ क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, कुछ अधिकार सत्ता सौंपी गई है, पर अंतिम उत्तरदायित्व अभी भी किसका है, केंद्र सरकार का। क्यों, क्योंकि पूरी तरह विकेंद्रीकरण संभव नहीं है। प्रशासनिक संगठनों का प्रसार एवं कार्मिक संख्या में वृद्धि के कारण अपव्यय। देखिए प्रशासनिक संगठन यदि जब हमने सत्ता का को विकेंद्रित कर दिया तो क्या होगे, कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि होगी और उससे क्या होगा, उनका वेतन, उनका रहना खाना सब कुछ क्या हो जाएगा, अपव्यय होने लग जाएगा संगठन का। अनेक बार कार्यों में दोहराव की समस्या भी उत्पन्न होती है, क्योंकि वहां पे समन्वय स्थापित नहीं होता है, तो जो एक इकाई ने काम कर लिया वो कई बार दूसरी इकाई भी वही काम को करती है, तो इससे क्या हो जाता है, दोहराव उत्पन्न हो जाता है। स्थानीय दुष्प्रभाव के कारण नीति का मूल उद्देश्य समाप्त हो जाता है। देखिए जो भी नीति का निर्माण किया गया था उससे क्या होगा, नीति का मूल उद्देश्य क्या हो गया, समाप्त हो गया। कैसे, क्योंकि यदि केंद्र स्तर पर जो नीति का निर्माण किया गया था, जरूरी तो नहीं है वो उसी स्थान विशेष के लिए भी लागू हो, यदि शिक्षा से संबंधित नीति बनाई है और किसी क्षेत्र को शिक्षा नहीं बल्कि बिजली की आवश्यकता है तो क्या हो गया, वो जो मूल उद्देश्य था वो समाप्त हो गया। अब जो केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण है इनसे कौन कौन से संभावित प्रश्न बनते हैं। केंद्रीकरण से आशय है सत्ता एक केंद्र पर निहित होना, सत्ता बहु केंद्र पर निहित होना, सत्ता द्विकेंद्रीय होना या फिर सत्ता त्रिकेंद्रीय होना। बहुत अच्छे से आप इसका आंसर दे पाएंगे, क्या है बताइए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सत्ता एक केंद्र पर निहित होना। जिससे अधीनस्थों के महत्व में वृद्धि हो वह विकेंद्रीकरण है, और जिससे अधीनस्थों के महत्व को घटाए वो केंद्रीकरण है। उपयुक्त परिभाषा किस विचारक की है ये भी आप अच्छे से बताएंगे।
अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब है। इसका उत्तर है हेनरी फेयोल। प्रशासनिक प्रक्रिया का निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर हस्तांतरण केंद्रीकरण व इसके विपरीत विकेंद्रीकरण कहलाता है। ये किसने कहा? एलडी वाइट ने। एलडी वाइट का क्या मानना था कि जब प्रशासनिक प्रक्रिया निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाए, मतलब कि जो सत्ता है निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाए तो वो क्या होगा? केंद्रीकरण। जब उच्च स्तर से निम्न स्तर की आए तो वो क्या होगा? विकेंद्रीकरण। देखिए, अब हम लोगों ने आज केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण और सूत्र एवं स्टाफ को अच्छे से पढ़ लिया है और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। पर आपको कैसे पता लगेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं? उसके लिए आपको होमवर्क करना होगा। तो हमने आज जो भी पढ़ा है मैं उसके लिए आपको होमवर्क दे रही हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम होमवर्क के साथ और दो नए और सिद्धांतों के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस पर आने वाले वीडियोस पर कमेंट्स कीजिए।